ठीक है, अपने देखा बेटा बात करें परक्लोरिक एसिड HClO4, ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -8, तो इन दोनों का कितना होना चाहिए +8, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का +7, एक ऑक्सीजन कम करो, फोर से कितना करो थ्री करो, तीन ऑक्सीजन का -6, तो बुरे इन दोनों का +6 होना चाहिए, हाइड्रोजन का +1 तो इसका +5। अब सीधे याद कर लो, एक ऑक्सीजन कम हो रहा है -2 कम हो रहा है तो +2 भी कम करना, हाइड्रोजन का तो +1 रहेगा, जो चार्ज कम होगा वो किसका होगा क्लोरीन का ही तो होगा, तो +7 प्लस बुरे बात कर 5 से फिर एक ऑक्सीजन और देखो इससे कम हो गया तो +3, एक ऑक्सीजन इससे भी कम हो गया तो कितना आ गया +1, क्लोरीन का चार्ज कितना आ गया +1, उठा के देख लो, एक ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का कितना है +1, तो -2 को बैलेंस कौन करेगा +2 ही करेंगे, तो इधर +1 आ गया तो इसका भी +1 रहेगा, दो ऑक्सीजन का -4, -4 अगर ऑक्सीजन का है तो इन दोनों का +4 होना चाहिए, हाइड्रोजन का कितना आ रहा है +1, तो क्लोरीन का कितना आएगा +3, वो आ ही रहा है दीदी बात कर, इसका मतलब अगर क्लोरीन का +1 है तो यहाँ फ्लोरिन का भी कितना है +1 है, एकमात्र कंपाउंड जहां दीदी बात करें पता है फ्लोरीन का +1 चार्ज होता है, वो कौन है हाइपोफ्लोरस, जो तुमने मुझसे क्वेश्चन छेड़ा कि फ्लोरीन का चार्ज, माना कि फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिल्कुल है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन बुढ़िया एकमात्र ऐसा केस है जहां पे ऑक्सीजन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, पूरी केमिस्ट्री में कहीं ऐसा नहीं तुम्हें देखने को मिलेगा, चमत्कार तो कोई देखने को मिलता ही नहीं, और मैं बोलते कभी फ्लोरीन -1 के अलावा कोई ऑक्सीजन शो करता नहीं है, लेकिन एकमात्र कंपाउंड जहां बुढ़िया बात के फ्लोरीन +1 में आता है, समझ पा रहे हो, और ऑक्सीजन किस में आता है -2 में आता है और +1 ये आता है, ठीक है। अब निकालो अपनी एनसीईआरटी, क्या निकालो कहां पे एचओएफ में, एचओएफ मतलब जिस तरीके से क्लोरीन के सारे एसिड बनते हैं, बुढ़िया बात कर रहे हैं परक्लोरिक क्लोरिक दीदी बात क्लोरस और हाइपोक्लोरस, वैसे फ्लोरिन के नहीं बनते, फ्लोरिन का एक ही बनता है, कौन सा बनता है हाइपोफ्लोरस, समझ पा रहे, तो उसकी उसने क्या कहा बेटा बात कर, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रो, अच्छा अपन मैं पूछूं बुढ़िया बात कर आपसे कि पर फ्लोरिक क्यों नहीं बनाता है, फ्लोरिक क्यों नहीं बनाता है, फ्लोरस क्यों नहीं बनाता है, अगर ये बनाएगा तो बुढ़िया बात के फ्लोरिन को किसमें जाना पड़ेगा +7 में, किसमें जाना पड़ेगा +5 में, किसमें जाना पड़ेगा +3 में, मतलब सात सात इलेक्ट्रॉन फ्लोरिन के निकाल के ले गया, कौन वो भी है साथ में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लेके जाएगा, ऑक्सीजन की इतनी दम नहीं है पूरे बात करें कि फ्लोरिन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन निकाल के जाए, क्यों, क्योंकि फ्लोरिन का छोटा साइज है, उसके सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ है न्यूक्लियस के पास है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसका केवल कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है तो पूरे, खैर ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन ऐसा बोलो पूरे बात करें कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस या टेम्परेचर जो भी इफेक्ट है वहां से केवल एक फ्लोरिन का इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो भी केवल पहली बार ऑक्सीजन निकाल पाता है, वो भी कहां पे हाइपोफ्लोरस एसिड में, तो उसने लिखा है गुड़िया बात करें ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, इस बार अगर नीट अपने देखा था 2022 का था 23 का 23 का, उसमें कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया डार्क एनसीईआरटी की लाइन उठी है, डार्क एनसीईआरटी की लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी, तो गुड़िया बताओ ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज फ्लोरिन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड एचओएफ, एचओएफ नॉन एस फ्लोरिक फर्स्ट एसिड और हाइपोफ्लोरस एसिड, अदर बेटा बात कर हैलोजन फॉर्म सेवरल और बुढ़े बात करके ऑक्सो एसिड, तो जो दूसरे हैं जैसे क्लोरीन है ब्रोमीन है आयोडीन है वो दूसरे भी दीदी बात एसिड बनाते, जैसे आपको क्लोरीन को दिख रहा है इतने सारे एसिड बना रहा है और वो बुढ़े बात करें पता +7 तक जा रहा है, +1 से +7 तक जा रहा है, ऐसा नहीं कि क्लोरीन -1 शो नहीं करता, करता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट के साथ पड़ जाए तो उसको अपने बुढ़े साथ के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस भी करने पड़ते हैं, लेकिन फ्लोरिन के साथ ऐसा नहीं होता, उसका कारण क्या है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज, ये याद रखना, तो बुढ़े बात करें ये आपको खासकर याद रखना है बेटा बात करें, तो उसने आपको क्या बोला है कि फ्लोरिन का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है इसके अंदर +1, क्या रहा बेटा बेटा बात करें +1, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दीदी पहला रीजन और दूसरा बेटा बात करें स्मॉल साइज ये दूसरा रीजन है, जिसकी वजह से बुढ़े बात करें क्या फॉर्म ओनली वन केवल एक बुढ़े बात कर ऑक्सीड बनता है वो है HOF, और जहां पे फ्लोरीन का चार्ज क्या है +1, जिसको अपन क्या बोलते हैं हाइपोफ्लोरस एसिड, जबकि दूसरे एलिमेंट बुढ़े बात का, अब इस तरीके तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कौन सा एसिड है क्या नाम है क्या ऑक्सीजन स्टेट है क्या इसका रीजन है, समझ पा रहे, वो तो आपने बात की इसलिए बुढ़े बात करें क्योंकि जो बुक है उसमें सब लिखी है, आपको एनसीईआरटी को कई बार पढ़ना है, उसको छोटी सी लाइन से पूछ रहे क्वेश्चन, तुमने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है तो अपन वहां पर क्या करके आएंगे गलत करके आएंगे, बात समझ पा रहे, जो सर लोग पढ़ाते हैं वो बुढ़े बात के जनरल चीजें पढ़ाते हैं और जहां एक्सेप्शन होता है वहीं से वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो हमें तो हम कहां रहते हैं फोकस कहां करते हैं रूल्स पर, और जो उसने एक्सेप्शन पूछा उसमें हमारा फोकस ही नहीं गया तो उसका क्वेश्चन हमारा वहीं पर गलत होता है। अब फ्लोरिन का कभी आपने सुना था +1 होता है ऐसा कोई कंपाउंड है कहीं नहीं सुना, लेकिन एकमात्र कंपाउंड है जिसका नाम क्या है HOF हाइपोफ्लोरस एसिड, जहां फ्लोरिन का चार्ज क्या है +1 है, नोट कर लो उसको बुढ़े बात का, और रीजन क्या है इसका बेटा बात करें और स्मॉल साइज करो, यही रीजन आएगा उठ के रीजन में अगर उठ के आए तो।